हेलो गाइस, माय सेल्फ अरुण सैनी, वेलकम टू आपके अपने चैनल अरुण बायो हैक। आज हम हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपो का मीन्स होता है ऊपर, गाइनस का मतलब होता है ओवरी। इसका मतलब यह है कि जो ओवरी है वो ऊपर होगी और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखेंगे किसका मतलब, यहाँ पे जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी। ओवरी एट टू पोजिशन एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ ओवरी। तो जो ये ओवरी होगी वो टॉप पोजिशन पे होगी और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो इस ओवरी के बेस से अराइज होंगे, चाहे इसमें स्टेमन हो, चाहे कोरोला हो और चाहे कैलिक्स हो। तो इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है और हम इस सुपीरियर ओवरी को ऐसे शो करते हैं, जो स्लैश होगा वो जी के नीचे होगा। इसका मतलब ये है कि जो ओवरी है वो ऊपर है और सारे के सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के बेस से अराइज हो रहे होंगे। क्लियर? तो इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना रोज और मस्टर्ड। चाइना रोज और मस्टर्ड, इसका एक ब्रिंजल भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। अब अगर बात करें पेरीगाइनस फ्लावर की, पेरी का मतलब यहाँ पे होता है हाफ और गाइनस का मतलब होता है ओवरी। इसका मतलब ये है कि जो ओवरी है वो हाफ एम्बेडेड है कहाँ पे, थैलेमस में, और इसी कारण से थैलेमस होता है वो कप शेप्ड हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक लाइन डॉट की है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे देख सकते हैं जो हाफ ओवरी है वो कहाँ एम्बेडेड हो चुकी है, थैलेमस के अंदर एम्बेडेड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ गाइनोसियम। जो ओवरी है वो सेंटर में है गाइनोसियम के एंड ऑल फ्लोरल पार्ट्स राइज फ्रॉम रिम ऑफ थैलेमस। कहाँ है रिम ऑफ थैलेमस, ये होता है थैलेमस का जो रिम पार्ट होता है, ये होता है। तो जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो थैलेमस के रिम पार्ट से अराइज हो रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ओवरी वो है वो हाफ सुपीरियर है या फिर हाफ इन्फीरियर है। ठीक है, तो थैलेमस कैसा हो जाएगा, थैलेमस बिकम कप शेप्ड हो जाएगा और ओवरी जो होगी हाफ इन्फीरियर होगी। हम हाफ इन्फीरियर ओवरी को ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो स्लैश होता है ये ना तो ऊपर होता है ना ही नीचे होता है, इसके सेंटर में होता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पिच है और रोज है। क्लियर, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये इसका एंडोसियम है। अब अगर बात करें एपीगाइनस फ्लावर, क्या होता है नीचे, और गाइनस का मतलब होता है ओवरी। जो ओवरी होगी वो नीचे होगी और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो इस ओवरी के ऊपर से अराइज होंगे। ठीक है, इसका मतलब जो ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी इज एट द बेस एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स राइज फ्रॉम टॉप ऑफ ओवरी। ठीक है, तो जो ओवरी है वो नीचे है, बेस पे है और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो एंडोसियम है, वो ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ये ओवरी है ये इन्फीरियर ओवरी होगी और इन्फीरियर ओवरी को हम स्लैश जो होगा वो जी के ऊपर लगाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्फीरियर ओवरी।